नमस्ते, शैला किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम पालक चिकन बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आधा कप धनिया, 1 इंच अदरक और 12 कलियां लहसुन के, सभी चीज़ों को मिक्सर में डाल के पीस लेंगे और पेस्ट बना लेंगे। इस तरह पेस्ट बना लेंगे। एक बर्तन लेंगे, एक जुड़ी पालक धो के साफ करके डालेंगे। डेढ़ कप पानी डालेंगे। ढक्कन लगा के बॉईल कर लेंगे। हमारे पालक बॉईल हो चुकी है। पालक को ठंडा करके मिक्सर में पेस्ट कर लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, 3 चम्मच तेल डालेंगे। इलायची, लवंग और दालचीनी तेल में डालेंगे। दो कटे प्याज डालेंगे। दो कटी हरी मिर्च डालेंगे। और अच्छे से भून लेंगे। अदरक, लहसुन, धनिया का पेस्ट डालेंगे। और अच्छे से भून लेंगे। कटा हुआ टमाटर डालेंगे। और अच्छे से भून लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और मिला लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। मसालों को अच्छे से भून लेना है। धोकर साफ किया हुआ चिकन डालेंगे। मसालों के साथ भून लेंगे। एक चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे। चिकन को मसाले के साथ भून लेंगे। चिकन को ढककर 10 मिनट पका लेंगे। दस मिनट बाद ढक्कन निकाल लेंगे। पालक की तैयार पेस्ट डालेंगे। और अच्छे से चिकन में मिला लेंगे। ग्रेवी के हिसाब से पानी डालेंगे। और मिला लेंगे।
ढक्कन लगा के 20 मिनट के लिए पका लेंगे। हमारा पालक चिकन तैयार है। बाउल में निकल के सर्व करेंगे। रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।